सामने रखते जाइए, फिर एक बार सामने रखने के बाद सारी गाड़ियों पे हम भोग लगाते जाएंगे। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का धनपुरी वाले की एक और नई वीडियो पर। तो आज विश्वकर्मा पूजा के इस पावन पर्व पे हमने अपना काफिला लाइनअप किया है। कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ आने वाली हैं, तो जो भी है अपना काफिला हमने लाइनअप किया। सारी गाड़ियाँ धुल रही हैं, तीनों भाई लगे हुए हैं अपने इस कार्य पर। और बारिश के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा की कृपा बरस रही है, तो ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है गाड़ियों पे। तो कुछ इस प्रकार का लाइनअप है, तो आप लोग शॉर्ट एंजॉय करो, तब तक हम लोग गाड़ियाँ धुल लेते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर धोते हैं हमारे गाड़ी का। ये देखिए, ये हमारे मझले वाले भाई साहब आई टी कंपनी के इंजीनियर। गाड़ी सबका धोए कपड़ी ऐसा थोड़ी है। ये हमारे बड़े वाले भाई ट्रांसपोर्टर, ये चल रहा गाड़ियों की धुलाई का कार्य जोरों शोरों पे। एक बार सारी गाड़ियाँ धुल जाती हैं तो इनके पूजन की तैयारी होगी। फूल की कोई कमी नहीं है अपने पास, भयंकर फूल लगा रखे हैं हमने घर पे। इस वीडियो में धनपुरी का कोई जेई को टैग कर देना यार, कितना लाइट गोल करते हो यार तुम लोग। बिल आ रहा 5,000-6,000 बिल आता हर महीने का, और बिजली जो मिलती है हमको आधी आधी पौनी बिजली मिल रही है। तो गाड़ियों से आपको रूबरू कराता चलूं। ये हमारी सबसे, इन सारे लाइनअप में सबसे कम कीमत की, कम मूल्य की गाड़ी, इसका नाम मैंने प्यार से सुदामा बोलता हूँ। इस पर हमने बहुत सारे स्टंट वगैरह किए हैं, काफ़ी अत्याचार किए हैं, पहाड़ों पर कुदाया है इसको और नदियों पर उतारा, बहुत सारी चीज़ें। और ये हमारी पल्सर हो गई, इसको आपने देखा है ग्वालियर, वृंदावन और खुजराहो की ट्रिप में, बागेश्वर धाम की ट्रिप में। ये भी इस पर ही फ़ख्र है। ये जुपिटर हम लेके गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, भोपाल लेके गए थे, बाई रोड इसको लेके गए थे भोपाल, भाई साहब को लाने के लिए, अपने इंजीनियर साहब को। उस समय दिल्ली में रहा करते थे, ट्रेनें बंद हुआ करती थी तब। और ये दोनों लोकल कम्यूट के लिए ज़्यादा दूर नहीं गई हैं, बुढ़ासा है, डोलित्ते में ही सीमित हैं। ये काफ़ी घरेलू गाड़ियाँ हैं। और ये वाली आपने देखी होगी नेपाल राइड पे, धनपुरी से नेपाल मस्तैंग चाइना बॉर्डर सारा इन्होंने किया है, माइनस टेम्परेचर झेला है। मेरी प्यारी हार्ली क्वीन बजाज एवेंजर 220 क्रूज, ठीक है। चैनल का नाम जिसको याद ना हो वापस दिखा दूँ मैं। और ये हमारी सबसे लाडली अभी हाल फिलहाल की, इसको आपने देखा होगा धनपुरी से गोवा की ट्रिप में, इसको हम गोवा लेके गए थे बाई रोड है। काफ़ी बढ़िया ऊंची लंबी मेरे जैसी गाड़ी है ये। ये हमारी टवेरा हो गई, वो हमारी बुलेरो है। और ये खड़ी है हमारी सबसे अभी की सबसे नवीन, सबसे नया सदस्य घर का, काली रेनॉल्ट ट्राइबर, इसको प्रेम से हम काली बुलाते हैं। काली है भी, लाइट गोल होने के कारण आपको खैर अंधेरे में काली ही दिखेगी, काली है तो काली ही दिखेगी, क्या बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ये खड़ी, इसको हमने धुल के और खड़ा कर दिया है अंदर। अब बाकी गाड़ियों को हम जल्दी जल्दी धुल लेते हैं। ये हमारा छोटा सा जंगल है भाई साहब, इस पर भी आप नज़र डालिए। शेर भालू तो नहीं है इस पर, लेकिन नाना प्रकार के इस पर जीव जंतु रहते हैं, करैत, कोबरा, असड़िया, डुढ़िया, डंडा करायल, सतबहिनी, मेढा, गिरगिटान, मतलब हजारों प्रकार की स्पेसीज इसमें भी है। काफ़ी भयंकर प्रकार के जानवर इसमें रहते हैं, जहरीले, छोटे मोटे जीव जंतु नहीं पालता, मेढक वोढ़क तो कमरे में है मेरे। तो चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा गाड़ियों पर ध्यान देते हैं और गाड़ी धुल लेते हैं एक बार, फिर आपसे वापस मुलाकात होती है। इस वीडियो पर बने रहिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएँ, और जो घंटी का बटन बन के आएगा उसको दबा ले ताकि आप आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन पाते रहें। Thank you.
तो गाइस घंटे दो घंटे की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद, सारी गाड़ियां धुलने के बाद अब वक्त आ चला है इनका पूजा करने का। साल भर में इनका जो है तो भोग करते हैं, उपयोग करते हैं, एक दिन आता है जब इनका हम धन्यवाद करते हैं और इनकी पूजा पाठ पूजा अर्चना करते हैं। तो इनकमिंग कॉल सूखी है ना, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आप हम सभी पर बना रहे और हमारे सारे साधन, हमारे उपकरण ऐसे ही निरंतर निर्विघ्न तरीके से चलते रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं पूजा के साथ साथ हम। और भगवान विश्वकर्मा जी से एक गुजारिश और करेंगे हम, अगले साल तक हमारा काफिला और बड़ा हो जाए इन गाड़ियों का और कुछ एक दो चार सुपर बाइक आ जाए इस काफिले में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो हम आ गई हमारी रावत की पूजा की बारी। बढ़िया से चली हैं भैया, तेल ओल थोड़ा कम पी हैं, अब बढ़िया से देश विदेश का जो है टूर कर रही हैं हमका। वाह, हो गया बरसात है तो धुल जाएगा ही वो। जय हो भगवान विश्वकर्मा। तो वैसे देवी और सज्जनों, मेरे इस कलेक्शन में से आपको कौन सी वाली गाड़ी जो है ज़्यादा पसंद है थोड़ा सा कमेंट करके आप बताएंगे तो मुझे काफ़ी हर्षोल्लास होगा, खुशी होगी। तो कृपया कमेंट करके बताएं मेरे इस काफिले में से आपकी पसंद की दो पहिया ये चार पहिया कौन सी है। चार पहिया खैर मत बताइएगा, आप दो पहिया बताइए। एक बार और चेक करिए आप, ये वाली मेरी माइलेज किंग है, 80-85 की एवरेज है इसका, इसलिए मैं इसको नहीं बेच सकता कभी जीवन में। अरे मॉडल भी आना बंद हो गई है, इसके जैसा रिफाइन इंजन, इसके जैसा माइलेज मेरे को नहीं लगता कोई दूसरी गाड़ी दे पाएगी कभी जीवन में। माइलेज वाली ये दोनों भी हैं लेकिन उसके टक्कर की मैं नहीं मानता, इनकी 75-75 जाएगी, उसकी जाती 85, मैंने 90-95 तक ली है उससे माइलेज। ये आ गई हमारी हार्ली क्वीन भागीरथी जिसको हम लेके गए थे नेपाल की तरफ, नेपाल से मस्तैंग करा था, वो वाली राइड को भी बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने और बहुत ज़्यादा साथ दिया था इस गाड़ी ने हमारा। ये पहली क्रूज़र बाइक है जो ऑफ रोड करके आई है, वो भी मस्तैंग का, वरना ऐसे रोडों पे इस प्रकार की गाड़ी आ जाती है। तब मेरे पास ये नहीं थी, ये इस वर्ष मुझे मिली है, तो मेरे पास पावरफुल ऑप्शन यही था और बहुत खूबसूरती से ये मेरे को मस्तैंग ट्रिप करा के लाई। एक जगह बस नीचे से लड़ी थी चट्टान पे, अदरवाइज ना कहीं पे कुछ हुआ ना कुछ, ना पंचर, एक पंचर तक नहीं हुई। इस सभी वाहनों पे मोदक का प्रसाद। खैर गाड़ियां नहीं खाएंगी देवी और सज्जनों, खाएंगे इसको हम। जी मेरी सुदामा, नो कंप्लेन नो डिमांड, 50 रुपये के तेल में बेचारी दिन भर चल जाती है, बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति की गाड़ी है। और ज़्यादा करके मैं इसी पे घूमता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरी, मैंने बोला इन कलेक्शन में से सबसे जो है सस्ती गाड़ी ये है कीमत में, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसी पे घूमता हूँ, सबसे ज़्यादा फेवरेट भी मेरी यही है। इन सब सारी गाड़ियों पर मैं बहुत कम समय बिताता हूँ, इस पर मैं पूरा दिन बिताता हूँ। देवियों सज्जनों, यह हमारी सबसे नवी और सबसे हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी काली, इसका पूजन, जगह कम होने के कारण इसको यार्ड में ही रख दिए हैं धुल के, तो इसका पूजन हो जाए।
इसके बाद हम सारी गाड़ियों पर भोग लगाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भोग ये हम सारी गाड़ियों पर लगा तो रहे हैं मोदक का, लेकिन गाड़ियां तो इसका सेवन नहीं करेंगी। तो कहते हैं कि तोहफा ऐसा दो जो काम आए। तो अभी हम इनको भेंट स्वरूप प्रसाद स्वरूप कुछ दे रहे हैं, आप देखते चलिएगा। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो काली मैया की। तो गाइस सारी गाड़ियों को भोग लगाने का वक्त आ गया है। चलिए भाई साहब प्रसाद रखते जाइए, सबके सामने रखते जाइए, फिर एक बार सामने रखने के बाद सारी गाड़ियों पे हम भोग लगाते जाएंगे। लाइए ठीक है, ठीक है, उस पर रख दीजिए और ले आइए। ये पूरा पार्सल आया है सारी गाड़ियों पे भोग लगने के लिए। और ले आइए भाई साहब, और ले आइए। ये तो कमेंट करके बताइए ऐसा ही प्रसाद ठीक रहेगा इनके लिए, क्योंकि गाड़ियां तो मीठा खाएंगी नहीं, तो इसलिए सारी गाड़ियों पे हमने ये प्रसाद चढ़ा दिया है। अब इसके बाद सारी गाड़ियों पर प्रसाद डलेगा और आज प्रयास करेंगे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा देख सकते हैं आप बारिश का है, तो आज इनको नहीं निकाला जाएगा। अब इनको धो दिया गया, पोंछ के सब खड़ी हो जाएंगे और मौसम सूखा रहा तो कल निकालेंगे। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार वीडियो पे अपना साथ सपोर्ट बनाए रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर लें और कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताएं कि आपकी फेवरेट कौन सी गाड़ी है। और भी कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट।